नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। खबरों का रुख कर लेते हैं। लखीमपुर मामले की जांच करने के लिए प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को नियुक्त किया है। बता दें आपको, लखीमपुर मामले की अब वो जाँच करेंगे और ऐसे में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जाँच के लिए प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को नियुक्त किया है। साथ ही बता दें आपको कि एकल आयोग ही मामले की जांच करेगा और जांच आयोग का मुख्यालय लखीमपुर में ही बनाया जाएगा। जांच को आयोग को 2 महीने के अंदर ही अपनी जांच पूरी करनी होगी। उधर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। आज बता दें कि चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी और इस केस का टाइटल वॉयलेंस इन लखीमपुर खीरी लीडिंग टू लॉस ऑफ लाइफ रखा गया है। आपको बता दें, जस्टिस सूर्यकांत और हिमा कोहली भी बेंच के सदस्य हैं और इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया क्षेत्र में रविवार को भड़की हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी और इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष समेत कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हालांकि किसी की भी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। दरअसल अजय मिश्रा के पैतृक गाँव में दंगल का आयोजन किया गया था और इस कार्यक्रम में यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को शामिल होना था। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के मामले घटने के बाद एक बार फिर बढ़े हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 22,431 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 318 लोगों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में कल 24,602 लोग ठीक हुए हैं, जिसके बाद एक्टिव केस घटकर 2,44,198 हो चुके हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक कोरोना के 3,38,94,312 मामले आ चुके हैं, जिनमें अब तक कोरोना से 4,59,556 लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में देश में अब तक 3,32,258 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 92 करोड़ के पार हो चुका है। कल कोरोना वायरस वैक्सीन की 43,09,525 डोज दी गई, जिसके बाद वैक्सीन की डोज का आंकड़ा बढ़कर अब 92 करोड़ के पार हो चुका है। ऐसे में ICMR ने बताया है कि भारत में कल कोरोना वायरस के 14,71,819 सैंपल टेस्ट किए गए थे, जिसके बाद अब तक कुल 47 लाख से ज़्यादा सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। सरकारी तेल कंपनियों ने लगातार तीसरे दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा कर किया है। ऐसे में देश की राजधानी समेत सभी महानगरों के लोगों को आज गाड़ियों में पेट्रोल पर डलवाने के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने होंगे। IOCL की वेबसाइट के मुताबिक आज पेट्रोल की कीमत में 30 पैसे और डीजल की कीमतों में 35 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है और इस इजाफे के बाद देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का भाव 103.24 रुपये और डीजल का भाव 91.77 रुपये पहुँच चुका है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि किस शहर में पेट्रोल और डीजल के क्या दाम हैं। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 103.24 रुपये पहुँच गए हैं, जबकि डीजल के दाम 91.77 रुपये प्रति लीटर हैं। वहीं मुंबई की बात करें तो मुंबई में पेट्रोल की कीमत 109.25 रुपये है, जबकि डीजल की कीमत 99.55 रुपये प्रति लीटर है। कोलकाता की बात कर लें तो वहां पेट्रोल का दाम 103.94 रुपये है, जबकि डीजल का दाम 94.88 रुपये प्रति लीटर है। वहीं चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में पेट्रोल 100.75 रुपये प्रति लीटर पर मिल रहा है, तो डीजल 96.26 रुपये लीटर पर मिल रहा है। आपको बता दें कि दुनिया भर में तेज़ी से बढ़ रहे कच्चे तेल की मांग की वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी तेज़ी देखने के लिए मिल रही है। कच्चे तेल की मांग में जिस तरह से तेज़ी आ रही है, उस हिसाब से उत्पादन नहीं हो रहा है और हाल ही में OPEC देशों की बैठक भी हुई थी, जिसमें हर दिन सिर्फ 4 लाख बैरल उत्पादन बढ़ाने की मांग की गई थी। इसी वजह से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और जब भी दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं तो घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतों में तेजी आना सामान्य बात है। सिद्धार्थनगर के बर्डपुर ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख के
55 वर्षीय भाई कमरुज्जमा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बता दें कि शख्स गांव स्थित मस्जिद में सुबह नमाज पढ़ने के लिए गया था, तभी मस्जिद में ही बदमाशों ने गोली मार दी। बाद में मस्जिद पहुंचे ग्रामीणों ने मस्जिद में शव देखकर पुलिस को घटना की सूचना दी, जिसके बाद ASP समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। मामले में पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। चिलिया थाना क्षेत्र के कुल हुआ गाँव का पूरा मामला बताया जा रहा है। गाजीपुर में तैनात विद्युत अवर अभियंता हरिकेश ने सदर कोतवाली में अयाज शाह से BJP विधायक विकास गुप्ता के खिलाफ तहरीर दी है। उन्होंने विधायक विकास गुप्ता पर गाली गलौज और नाजायज काम करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही विधायक की गाली गलौज का एक ऑडियो भी वायरल हुआ है। ऑडियो में विधायक अवर अभियंता से गाली गलौज करते हुए सुनाई दे रहे हैं, आप भी सुनिए। जब 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 तुमको 3-4 बार कह चुके तो अभी वहाँ पर भूल गए सोफर में। नहीं तो हम कैसे रिपोर्ट लगा दे, आप समझते नहीं है उनको। हाँ क्या मैं लिख दूँ? नहीं ABCD में क्या लिख दूँ? नहीं तुमने तुमने सुबह क्या कहा था कि मैं जाके फोन कर रहा हूँ, तुम जूते के भूखे हो हमको लगता है। अभी संतोष श्रीवास्तव की हल किया, अभी वो रो रहा है विजिलेंस वाले, और तुम्हारा लग रहा है पड़ जाएंगे इधर से फोन कराओगे, इधर से फोन कराओगे। जब कह रहे हैं कि 4-5 बार मैं तुमसे कह रहा हूँ, दिन भर सुबह शाम तक लूटते हो। अभी वहाँ गए तो लोहारन गढ़वा में सब शिकायत कर रहे थे। तो लोहारन गढ़वा में क्या दिक्कत थी? लोहारन गढ़वा में हमने क्या वहाँ किया कि आपकी शिकायत हो गई? अबे आप 50-50 रुपया तुम्हारा लाइट वसूल रहा है। कहाँ का वसूल रहा है? एक हफ्ते से लाइट तुमको बुलाए तो तुम आए क्यों नहीं? तुमको आज सुबह भी बुलाए थे, तुमको कल तुम आओ। चलो मोड़ो गाजीपुर चलो, तुम कहाँ पर हो? गाजीपुर चलो, इसको जुतियां चल के गाजीपुर में उधर से ले गाजीपुर। तुम कहाँ पर इस समय? हर केस फतेहपुर में है, डिवीजन में। तो डिवीजन में चलो आओ, बंगले पहुंच रहे। हम गाजीपुर में होते तो हम वहीं आते, तुमको तो बुलाने से तुम आ नहीं रहे हो ना क्या? जब जब तुमको 3-4 बार कह चुके तो अभी वहाँ पर भूल गए सोफर में। नहीं तो हम कैसे रिपोर्ट लगा दे, आप समझते नहीं है उनको। क्या मैं लिख दूँ? नहीं ABCD में क्या लिख दूँ? नहीं तुमने तुमने सुबह क्या कहा था कि मैं जाके फोन कर रहा हूँ, तुम जूते के भूखे हो हमको लगता है। अभी संतोष श्रीवास्तव की हल किया, अभी वो रो रहा है विजिलेंस वाले, और तुम्हारा लग रहा है पड़ जाएंगे इधर से फोन कराओगे, इधर से फोन कराओगे। जब कह रहे हैं कि 4-5 बार मैं तुमसे कह रहा हूँ, दिन भर सुबह शाम तक लूटते हो। अभी वहाँ गए तो लोहारन गढ़वा में सब शिकायत कर रहे थे। तो लोहारन गढ़वा में क्या दिक्कत थी? लोहारन गढ़वा में हमने क्या वहाँ किया कि आपकी शिकायत हो गई? अबे आप 50-50 रुपया तुम्हारा लाइट वसूल रहा है। कहाँ का वसूल रहा है? एक हफ्ते से लाइट तुमको बुलाए थे, तुम आए क्यों नहीं? तुमको आज सुबह भी बुलाए थे, तुमको कल तुम आओ। चलो मोड़ो गाजीपुर चलो, तुम कहाँ पर हो? गाजीपुर चलो, इसको जुतियां चल के गाजीपुर में उधर से ले गाजीपुर। तुम कहाँ पर इस समय? हर केस फतेहपुर में है, डिवीजन में। तो डिवीजन में चलो आओ, बंगले पहुंच रहे। हम गाजीपुर में होते तो हम वहीं आते, तुमको तो बुलाने से तुम आ नहीं रहे हो ना क्या? अरे दिन भर सुबह शाम तक लूटते हो जनता को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज राजनीति में 20 साल पूरे हो चुके हैं। 20 साल पहले आज ही के दिन से नरेंद्र मोदी का राजनीतिक सफर शुरू हुआ था, और ऐसे में मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। बड़ी बात यह है कि तब से लेकर अब तक नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पद पर बने हुए हैं। इस मौके पर आज BJP सेवा समर्पण कार्यक्रम चला रही है। BJP के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा है कि आज से 20 साल पहले नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, और वहाँ से शुरू हुई विकास और सुशासन की यात्रा आज तक चलती आ रही है। इन 20 सालों में मोदी जी ने जनता और देश की उन्नति के लिए दिन रात एक कर परिश्रम की प्रकाष्ठा को
चरितार्थ किया है। और अन्य ट्वीट में अमित शाह ने लिखा कि राज्य और केंद्र सरकारों के प्रमुख के तौर पर जनसेवा के 20 साल पूरे करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देता हूं। गरीब कल्याण और अंत्योदय को समर्पित इन 20 सालों में मोदी जी ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के समय से आगे की सोच से असंभव को संभव करके दिखाया। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि राज्य और केंद्र सरकार के मुखिया के रूप में जनसेवा के 20 साल पूरे करते पर मैं आज देश के सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल से गहराइयों से अनंत बधाई देता हूँ। साथ ही आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संवैधानिक पद पर रहते हुए सार्वजनिक जीवन में 20 साल पूरे करने के लिए हार्दिक बधाई। ये अखंड 20 साल लोक कल्याण के प्रति समर्पित होने के साथ निष्कलंक भी रहे हैं। उनकी लोकप्रियता निरंतर बढ़ती रही है और आगे भी बढ़ती रहेगी, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। तो आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी को राजनीति में 20 साल हो चुके हैं। आज ही के दिन 20 साल पहले 7 अक्टूबर को 2001 में उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी और उसके बाद ही लगातार वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पद पर बने हुए हैं। और लगातार बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता आज उन्हें ट्वीट कर उनके 20 साल के सफर को लेकर उन्हें बधाई दे रहे हैं। आज देश भर में नवरात्र शुरू हो चुके हैं और ऐसे में आज नवरात्र का पहला दिन है और ऐसे में मंदिरों में लोगों का, भक्तों का, श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। वहीं मंदिरों की रौनक भी आज देखने ही बनती है। गाजियाबाद में नवरात्र के पहले दिन पर कैसा माहौल है देखिए आप भी। देशभर में आज नवरात्रों का पावन पर्व की शुरुआत हो गई है। आज मौजूद हैं हम गाजियाबाद के एक ऐसे मंदिर में जहां पर तमाम श्रद्धालु सुबह से ही तांता लगाए हुए हैं, क्योंकि मंदिर में पहुंचकर लोग पूजा कर रहे हैं, उसके बाद अपने घर पहुंच रहे हैं। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा दिखाएं किस तरीके से सुंदर सजा हुआ ये मंदिर है, जहाँ पर श्रद्धालु लगातार यहाँ आ रहे हैं और लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं। मैं कैमरामैन से एक बार फिर से गुजारिश करूंगा दिखाएं किस तरीके से यहां पर लोग पहुंचे हैं, श्रद्धालु पहुंचे हैं और पंडित जी ने शुरू से ही सुबह से ही पूजा अर्चना की है। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं पंडित जी, खुद इनसे बात कर लेते हैं कि आज के जो व्रत रखा जाएगा उसकी क्या खासियत है, किस तरीके से मनाया जाएगा। नव दुर्गा की शुरुआत हो चली है और आज शैलपुत्री माँ की पूजा की जाएगी। पुजारी हमारे साथ हैं, आप बताएं किस तरीके से इसको मनाया जाता है, क्योंकि नवरात्रों की शुरुआत है, पहला दिन है, शैलपुत्री माँ की पूजा की जाएगी, क्या कहेंगे? जी, हमारे यहाँ बहुत प्राचीन परंपरा है दुर्गा सप्तमी में कि प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। तो आज पहला दिन जो है माँ दुर्गा का शैलपुत्री जो है, क्योंकि हिमाचल की पुत्री थी, हिमाचल जो है पहाड़ है हमारा हिमालय, तो हिमालय पुत्री थी इसलिए इनका नाम शैलपुत्री है। तो आज जो प्रथम दिन है माँ दुर्गा का, ये शैलपुत्री के नाम से जो है जानी जाती हैं। और इस बार जो है 8 दिन का नवरात्र है, आज पहला दिन है और 14 को अष्टमी नवमी एक है और उसी दिन भंडारे होते हैं। और माँ की दुर्गा आदिशक्ति हैं, आदिशक्ति के बगैर भगवान शिव ही अधूरे हैं। शिव में जो है ई हटा दो तो 100 हो जाता है, बगैर शक्ति के शिव भी जो है वो 100 हो जाते हैं, इसलिए शक्ति की पूजा बहुत ज़रूरी है। और विशेष तौर पर जो है स्त्री हैं, बच्चे हैं, बहनें हैं, महिलाएं हैं, इनके लिए माँ दुर्गा की पूजा जो है 9 दिन तक जो है बहुत ही अनिवार्य होती है। पुजारी जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि शैलपुत्री माँ का आज पूजा अर्चना होगी, शैलपुत्री माँ को नारंगी रंग पसंद है, आपने कपड़े भी, वस्त्र भी कुछ ऐसे ही पहने हुए हैं और आपने तिलक भी ऐसा ही लगाया हुआ है, क्या इस दिन के लिए खास है या अमूमन तौर पर आप यही पहनते हैं? नहीं, आज माँ की कृपा है कि मैं 2-3 नए कपड़े निकाले लेकिन वो हमें पसंद नहीं आए, हम कहे चलो यही पहनते हैं। पुत्री माँ का प्रभाव है। जी 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 जी, आज अमूमन कुदरती है। माँ की अगर पूजा करते हैं तो नारंगी रंग कुछ इस तरीके से पहनेंगे आप, जो माँ खुश हो, माँ प्रसन्न हो। इसके बाद कौन सा दिन है, किस तरीके से मनाया जाएगा? जी, दूसरा ब्रह्मचारिणी का, तो ब्रह्मचारिणी का जो कलर है वो लाल कलर होता है, तो उसमें हमारे पास लाल जो है वो है कुर्ता है और लाल वेशभूषा धोती होगी, और जो आज पीला दिख रहा है हमारे मस्तक पे तो पूरा कल लाल ही होगा। बहुत
बहुत खूब, ये वो तरीका है, क्योंकि देखिए पुजारी जी ही बता सकते हैं इस बारे में कि माँ को क्या पसंद है। और इन्होंने बताया कि आज, क्योंकि आज शैलपुत्री माँ की पूजा होगी, तो नारंगी रंग पहना हुआ है माँ को प्रसन्न करने के लिए, और उसके बाद कल जो पूजा होगी उसमें लाल रंग के वस्त्र धारण करें अगर आप, तो माँ प्रसन्न होंगी। तस्वीरें देख सकते हैं आप, तस्वीरें बेहद खूबसूरत हैं, माँ का दरबार सजा हुआ है, एक महिला यहाँ लगातार पूजा कर रही हैं, सभी अपने घरों में माँ का दरबार सजा रहे हैं, माँ की पूजा कर रहे हैं, माँ को लगातार ये आवाहन कर रहे हैं कि आने वाला समय अच्छा बीते। जिस तरीके से लगातार 2 साल सभी के खराब बीत रहे थे, क्योंकि कोरोना काल समाप्त हालांकि अभी नहीं हुआ है, लेकिन बीते दिनों जिस तरीके से कोरोना का प्रभाव देश भर या यूं कहें कि दुनिया भर में देखने को मिला था, उससे खासा परेशानी हो रही थी। गाजियाबाद से जितेंद्र भाटी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। तो आज गाजियाबाद में भी नवरात्रों की धूम देखने के लिए मिल रही है। ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से मंदिरों में माता रानी को सजाया गया है, और पूरे मंदिर प्रांगण को भी दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। और ऐसे में सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। तमाम जगह से तस्वीरें आ रही हैं जहां पर भक्त पूजा अर्चना करने के लिए सुबह से ही लाइनों में लगे हुए नजर आए। हालांकि कोरोना प्रोटोकॉल्स का भी पूरा पालन किया जा रहा है, मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जा रहा है, साथ ही मास्क लगाकर ही लोगों को एंट्री दी जा रही है। अलग अलग राज्यों ने इस बार नवरात्रि को लेकर अपने अपने तरीके से गाइडलाइन जारी की है, और ऐसे में गाजियाबाद में भी ये धूम देखने के लिए मिल रही है। मंदिरों में लोग वहां पर भारी संख्या में पहुंच रहे हैं पूजा अर्चना करने के लिए। मुंबई में क्रूज ड्रग्स पार्टी को लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कार्रवाई पर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीबी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक ने सवाल खड़े किए हैं। नवाब मलिक ने इस पूरे मामले को फर्जी बताया है। नवाब मलिक ने दावा किया है कि शाहरुख खान के बेटे आरन खान और अरबाज मर्चेंट को एनसीबी ने नहीं बल्कि बीजेपी से जुड़े मनीष भानुशाली ने गिरफ्तार किया था। नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा किया कि एनसीबी की इस कार्रवाई में बीजेपी का हाथ है और ये गिरफ्तारी पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। नवाब मलिक ने कहा कि आरन खान को एनसीबी के पास लाने वाले और सेल्फी लेने वाले केपी गोस्वामी और मनीष भानुशाली बीजेपी के नेता हैं। दरअसल आरन खान जिस दिन से गिरफ्तार हुए थे उस दिन उनके साथ एक व्यक्ति की सेल्फी वाली तस्वीर काफी वायरल हुई थी। उसके बाद एनसीबी ने कहा था कि सेल्फी लेने वाला शख्स उनके विभाग का आदमी नहीं है। बता दें कि बाद में इस शख्स का संबंध बीजेपी से पाया गया था, तो एनसीबी की पूरी कार्रवाई पर सवाल खड़े हो गए थे। हालांकि इस मुद्दे पर बीजेपी नेता मनीष भानुशाली का भी एक जवाब आया है। उनका कहना है कि मैं बीजेपी के कार्यकर्ता हूं और क्रूज पर होने वाले इस पार्टी की जानकारी मुझे मिली थी, जिसकी जानकारी मैंने एनसीबी को दी थी और एक विटनेस के तौर पर मुझे एनसीबी दफ्तर भी बुलाया गया था। बाकी इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं मलिक पर मानहानि का केस करूंगा। उन्होंने इस मामले में मेरे नाम का खुलासा किया है, मुझे सुरक्षा दी जाए। हल्द्वानी के इंदिरा नगर में एक गुमशुदा युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर शव को जंगल में फेंक दिया गया। जानकारी के अनुसार बन भूलपुरा इंदिरा नगर निवासी युवती 2 से 3 दिनों से गुमशुदा थी, जिसकी सूचना युवती के परिजनों की तरफ से थाना बन भूलपुरा में दी गई थी। सूचना के आधार पर पुलिस की तरफ से युवती की तलाश शुरू कर दी गई थी। वहीं थाना बन भूलपुरा पुलिस ने गुमशुदा युवती का शव थाना बन भूलपुरा के इंदिरा नगर चौक चेकपोस्ट के सामने जंगल से संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद किया था। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। क्रम में जो उसकी ढूंढ खोज चल रही थी, कुछ कैमरेज भी चेक किए गए, लोकेशन भी चेक की गई, और उसमें जो संदिग्ध जो लोग मालूम पड़े उनमें से 2 युवकों से पूछताछ की गई, और पूछताछ में उन्होंने बताया कि उन्होंने जो है लड़की को मार कर एक जगह पर भेजा है, लेकिन शादी नहीं कर आज बच्ची का शव जो है वो वहाँ से बरामद किया गया है। हम लोग पोस्टमार्टम और आगे कार्रवाई कर रहे हैं, मुकदमा ऑलरेडी दर्ज है जिसे हम।
केदारनाथ धाम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत दूसरे चरण के पुनर्निर्माण का काम हो रहा है। दूसरे चरण के पुनर्निर्माण कार्यों में गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल प्रमुख रूप से है और इस समाधि स्थल का कार्य अंतिम चरण में है और अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक काम पूरा हो जाएगा। वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से समाधि स्थल में स्थापित करने के लिए शंकराचार्य की मूर्ति भी कर्नाटक से केदारनाथ पहुँच चुकी है। तो तस्वीरें देख सकते हैं, ये केदारनाथ की तस्वीरें हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में जो शामिल शंकराचार्य समाधि स्थल है उसका काम पूरी तरह से अब अंतिम चरण में है और ऐसे में तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से काम किया जा रहा है और अक्टूबर के अंत तक ये शंकराचार्य का समाधि स्थल बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र में स्थित एक किराना दुकानदार से दो बदमाशों ने तमंचे की नोक पर हजारों रुपए की नकदी लूट ली। बदमाश अपने बाइक सवार दो अन्य बदमाशों के साथ बैठकर रुड़की नेशनल हाईवे की तरफ भाग निकले, जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने मामले की सूचना पुलिस को दी। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही बहादुराबाद पुलिस ने क्षेत्र में कॉम्बिंग अभियान चलाकर बदमाशों की तलाश की, लेकिन उनका पता नहीं चल सका है। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। आठ पंद्रह को चार बदमाश आए जिनको पिस्टन दी और वो काउंटर पर चढ़े, मारपीट करी और उन्होंने पिस्टन का घायल कर दिया और 10,000 रुपये वो देखा हमने बाद में, तो वो चले गए 10,000 रुपये के लूट कर दिए। हरिद्वार में ये बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी है, लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। आपको बता दें कि बदमाशों ने तमंचे की नोक पर लूट की घटना को अंजाम दिया था, उसके बाद से ही लगातार पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही थी। आपको बता दें कि फिलहाल अभी तक बदमाश नहीं मिल पाए हैं। बहादुराबाद का ये पूरा मामला है जहां पर जानकारी जब पुलिस को इस पूरी घटना की मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और ऐसे में बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। आपको ये भी बता दें कि पीड़ित पक्ष ने मामले की पुलिस को सूचना दी थी। दरअसल आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक वहां पर बदमाशों ने किराना दुकानदार से तमंचे की नोक पर हजारों रुपए की नकदी को लूट लिया था।